नमस्कार मित्रों, लर्न इज इन स्मार्ट में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट। आज के दौर में राजनीतिक भ्रष्टाचार और अहंकार की पर्याय होकर क्यों रह गई है, ये सवाल हर एक भारतीय को कचोटता है, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा। सरकारें किसी भी दल की हो, खबरें आती हैं तो घोटालों की या फिर मंत्रियों विधायकों के अहंकार की। ऐसा अहंकार जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। ताजा खबर दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी की है। बदसलूकी का आरोप सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगा है। आईएएस एसोसिएशन ने लिखित में इस घटना का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने की बात कही गई है। आरोपों में कितना दम है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आईएएस एसोसिएशन ने आरोप लगाए हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई रही होगी। आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी
है जिसने भारतीय राजनीति में चमत्कार कर दिया है। ऐसा चमत्कार जो शायद फिर हो ना हो। अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को पारदर्शी बनाने का दावा भी किया था। साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 3 साल की सरकार पर वे सब आरोप लग चुके हैं जो इससे पहले कांग्रेस और भाजपा सरकारों पर लगते रहे थे। दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले भी चल रहे हैं और मारपीट के भी इतना ही नहीं पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में पैसे के बल पर टिकट खरीदने और बेचे जाने के आरोप भी पार्टी पर लगे। आम आदमी पार्टी खुद को नाम के मुताबिक आम लोगों की पार्टी कहती आई है, लेकिन इसी पार्टी पर
आरोप ये भी लगने लगे हैं कि सड़कों पर कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर फैसले लेने वाली पार्टी अब बंद कमरों में फैसले लेने लगी है। ये फैसले भी पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले एक दो लोग ही लेते हैं। सवाल यह है कि ऐसे में पार्टी विधायक प्रशासनिक महकमे के मुखिया के साथ ही बदसलूकी करने लगे तो दूसरे दलों और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। दिल्ली की इस घटना को महज राजनीतिक आरोप बताकर हवा में उड़ाने से काम चलने वाला नहीं। दिल्ली सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच और पूरे प्रकरण में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, अगर ये डिक्टेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस डिक्टेशन को शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।